बदलत बाटी मानव बदलत बा हमन की चाल चलन लोप होते जात बा संस्कृति अपनात बाटे दूसरे के रहन सहन ये संस्कृति जगेरना के एक अनमोल खजाना कार्यक्रम संस्कृति सरोवर अब बुद्ध समुदाय के टेलीविजन पर देखे कि न भुलाल जी कार्यक्रम संस्कृति सरोवर। नमस्कार, कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में आपकी स्वागत बा। बुद्ध समुदाय टेलीविजन पर कार्यक्रम संस्कृति सरोवर हमरे हर एक सोम के इसमें हर एक मंगल के हर एक बुद्ध के इतने समय से देख सकल जब ऐसे हम के समाज में कौन कौन से विकृति का और हमें अपन विकृति के कैसे हटा सके हमन के असल सदस्य समाज निर्माण कैसे कैसे के और हमें अपन जीवन में कैसे सफलता प्राप्त कर सके इतने बार ना हो कि हमें कौन भी संघ संस्था में ढीला सुस्ती कैसन बा और काम कैसन से होत बा हमें इस सब के बारे में भी एक आके मार्फत जानकारी की कोशिश कर दत। आज हमारे बाटी देवता नगर पालिका बड़ा नंबर 11 के करले में बाटी बड़ा तक से अमर बहादुर चौधरी जी से वहाँ से बातचीत करती साथ में जो सहयोगी बाटी हैं ओकर साथ में ये कार्य समिति बा कार्य समिति के टीम संग की बैठक की बाटी वहाँ सबसे हमारे ये कार्यालय में का कैसन कामकाज होत बा और सेवाग्राही कितना संतुष्ट बाटी हैं यही के बारे में हमारे आज चर्चा करती ताकि मैं आपकी स्वागत का धन्यवाद। अति वैसे आप ये क्षेत्र में जो लागल के नव निर्वाचित और से इससे पहले क्या कर जाता इससे पहले भी हम गाविसा अध्यक्ष के प्री कार्यकाल में रही और ओकरे बाद अभी जो नगर पालिका देवधर नगर पालिका में जब हम समावेश भे हुए इनमें भी हम निर्वाचित भेगी वाड़ा अध्यक्ष में। पहले भी जनता हमारे प्रति जो विश्वास रख लें इतने नाते कार्य से हमें जो है कि नगर पालिका के वाड़ा अध्यक्ष में भी विश्वास मत दे कि हमें जो है कि विजय बने लें इसे हम जनता प्रति हम एकदम आभार प्रकट करते थे धन्यवाद दे चाहते थे और हरेक जनता के हम काम में कोनो प्रकार की ढिलाई ना कही कि हम आज के काम आज हम सबके निपटावल चाहिए। आते वैसे स्थानीय निकाय के निर्वाचन से पहले भी आप काम कई चुका लानी थे वार्ड अध्यक्ष के रूप में अवसर पाए गई बात काम करते कितना कठिनाई महसूस भाई बात पहले से ज़्यादा नहीं महसूस हो रहा बात पहले इतना नियम कानून के ऊ नहीं रहा अब नियम कानून ज़्यादा नियम कानून के पर्दे के भीतर रह के जो है कि काम करे पड़ता है। हाँ, लेकिन तब पर भी मेरे दिखले में पारदर्शी ढंग बा पारदर्शी के हिसाब से आम जनता के कोनो काम भी हमन के तरफ से ढिलाई ना बा अब जोन काम आ रहा बटे ऊपर उनके काम हम करके आज के आज पठा देता थे खास करके अब क्यों के मान लिया जा अब प्रमाण ना ही रही तो प्रमाण मांगे जाला खरी प्रमाण लाओ हो प्रमाण लाओ मतलब प्रक्रिया पुगा के उनके हम उनके दे दिया जाला उनके काम में कोनो प्रकार के ढिलाई नहीं आते उसी काम करे दौरान में जो भी कार्यालय में नातापात कृपा बात जो की देश के भी हमारे सरकारी कामकाज में ढेर देखा जाता है सुने मिलत मन की होगी भी बात थी एमा बीच नातापात कृपा बात भोली बात में सिद्धांत लागू करेगी बिल्कुल नहीं हमें एकदम पटक के हम नातापात कृपा बात के हम विरोधी हो जाते हैं हमें अगर जो हमें फंसे वाला काम नहीं बा उनके पूरा प्रमाण बा तो उस केहू हो उनके काम तुरंत के तुरंत हमें कही दे हुआ नाता किताब किताब बाद में हमारे को नहीं बा हमें बस उनके काम अगर जो कोनो प्रकार के वो बात उन्हें सुझाव दे के पठाई जाए कि बाबू तुम्हारा ही प्रमाण लाई पुगर ही प्रमाण लावा तुम्हें ध्यान हम कही देगा प्रमाण नहीं है उनके काम हो जाला ना ये वाला काम भी कोनो राजनीतिक दल से भी दबाव आला अति उसे दबाव आए के कोनो व्यक्ति का दया राजनीतिक दल का था। हाँ, राजनीतिक दल ने से दबाव एक तो आए लाल देखा जा नागरिकता संबंधी हमारे ऊपर दबाव आए ओमे कह रहा कि ओकर जन्मदाता नहीं रहा तो जन्मदाता की हम कहली मांग कही जन्मदाता वहाँ से जन्म प्रमाणित के आइलान खाली जन्म प्रमाणित ना ही जन्मदाता चाहें हमें जन्म प्रमाणित से मतलब ना ही बा हमें जन्मदाता चाहें ज़्यादा तक कि हमें दबाव आए कि ना ही वकर सिफारिश कही था वकर बिया दाता हो गई बात काहे नहीं कर सकता सी बी ओ कार्यालय से घूम के आए हमारे टीम पर आखिर वो जाके जन्मदाता बनवा के आए ओके फिर से हमें सिफारिश करनी पड़ा
ऐसे दबाव आवाला खास करके हम दबाव के सुझाव दे देगा कि देखा बाबू तुम्हार काम ना ही बनी हई प्रमाण ना ही रही तुम्हार काम ना ही बनी घूम के आखिर अले वो जन्मदर्ता बना के अले उनके हम सिफारिश दे दी काम हो गए उनके जो नगरता बने काम रहा नगरता बन गए योजना तो हमन के जितना भर ग्रावल के काम रहा और खास करके 9 नंबर में हमार ज़्यादा विकटता रहा वहाँ के बहुत विकट जगह रहा नाथ कार्य ज़्यादा बजट हमन के 9 नंबर में पड़ल रहा। पहला शुरू में हमार 10 लाख के जो है कि स्तरीय ग्रावल के काम रहा वहाँ कैली एक बाद में फिर 5 लाख के ग्रावल भीतरी बाटो रहा एक बाद में वहाँ फिर 2 लाख के बजट रहा वो भे एक बाद में भवन निर्माण के काम रहा आके हमन के सिकटान में सामुदायिक भवन और संकरपुर में सामुदायिक भवन कर्मीपुर में सामुदायिक भवन और एक तो भुदावा सामुदायिक भवन भवन चाक हो रहा एक बाद में सिकटान कोटिया थान के निर्माण के काम रहा आपके रेहरा में समय माइक थान दुर्गा मंदिर और स्वास्थ्य क्लिनिक ये सब जो है कि भवन निर्माण के काम रहा और एक ठो जो है कि 6 लाख के एक रहा 90 के हेम पाइप कलवट रहा वो काम भाई और स्तरीय ग्रावल और ग्रावल के काम जो रहा छोटी भूमि बड़ी भूमि जयपुर मिला के सब जो है कि एक काम भाई शंकरपुर में ग्रावल के काम रहा वहाँ भी काम भाई सहदौनिया बाजार में जो है कि रहा 2 लाख के वो काम भाई आपके एक 15-17 लाख के जो है कि सिकटान से प्रगति नगर होते जो है कि शंकरपुर के तक के कारखाना काम संपन्न भाई स्तरीय ग्रावल के काम रहा अब बाकी जो है कि अब लक्षित कार्यक्रम रहा लक्षित कार्यक्रम में हम के अब बुटीक तालीम और गुड़िया तालीम एक बाद में ये कखन लोक सेवा तैयारी कर ऐसे तमाम संपन्न कर गए वैसे हमने सही की ओर जाए अब जब नहीं लाए लहने उन्हें के समझा बुझा के घरे पका दिया जाला तो नीता वाला पूरा प्रमाण लावे ने तो बना दिया जाला 10 बजे ठीक किया हो जाला ड्यूटी करा जाला ड्यूटी सिस्टम हो गया आज का काम भयो तपाईँको मेरो मेरो फारम भयो के को फर्म थियो यो वृद्धको वृद्ध भत्ता वृद्ध भत्ता काम भयो तपाईँको नमस्कार हम सावित्री चौधरी वार्ड नंबर 11 के महिला सदस्य आप सबके जो एक टीम बा आपके टीम में का कैसे कोऑर्डिनेशन बा कैसे आप सब कौन योजना संपन्न कर देगा मन के योजना के जब काम शुरू होला तब हमारे ओकर पहले हमारे सब 6 जना हमारे यहाँ टीम बाटे 5 जना निर्वाचित 1 जना मनोनीत में बाटे उनके हमारे सबके बुला के यहाँ 1 लाख के बजट कैसे जाए जा पहले हमारे यहाँ छल फल होगा बाद में हमन के आसो से आए कि कुल विकास संस्था से जौन बजट आए उनके स्वीकृत करे कहके हमन के नगर पालिका से मनो सुझाव आए तो हमारे उहे बात पर हरेक टोल में टोल विकास संस्था हमन के 14 टोल डरता हुई ओकर भइले बाद में जब टोल विकास संस्था से जौन बजट आई ओकर मान्यता दियाई कहके हमन के नगर पालिका से आई
उहे अनुसार हमरे कुल विकास संस्था कई के तेकरे बाद में हमरे बजट वहाँ से मांग करेंगे। उहे बजट अनुसार हर एक टोल में तो सर देखा जाए कितना आवश्यकता रहला, एक टोल से चार पाँच टो आवश्यकता आ जाए काम बजट दा कही के तो कान के हमरे ते नहीं दे सकल जे काहे से कि हमन के बजट के भीतर रह के काम करे बस अते ओकन के कैसे अभी आकार के ओकन के दादा ला कि जो पावर के हिसाब से ओकन के पहुंच के हिसाब से नहीं सर पावर वा कोनो अबे बड़ा हमें कोनो नेता आ गेल तला मेरा हमार काम पहिले होय परी ला हमार बड़का बजट रो हमें चाहिए उ हिसाब से हमरे नहीं दिया जा कहां कैसन आवश्यकता बा जैसे अबे पुले जहाँ अब ग्रावेल करे बा वहाँ हैंड पाइप की आवश्यकता बातें सर पहले हमारे हैंड पाइप लगाने जी की पहले ग्रावेल करें पहले हमारे हैंड पाइप की आवश्यकता अनुसार आवाला हुए अनुसार हमारे दिया जा रहा सर देवदान नगर पालिका के हम मोदी कुमार थारू और निर्वाचित सदस्य क्या रहे क्या और बजट में देखा जाए सर हम के सब छो निर्वाचित हमरे जाके पाँचों निर्वाचित देखो मनोनीत में बात है उनके कुल जना मिल के एकदम जाके टोल टोल में जाके उनके प्रसन्नति गठन कर बजट कहाँ कैसा पड़े वाला नहीं तब हम उनके बजट के उत्ती में अब जैसे हमें समिति गठन बनावल जाला समिति गठन बना के अब अच्छे को सत अच्छे सचिव बना के सात सदस्य बना के हम उनके समझौता कर जाए नगर बाद कुछ दिया मैंने हम उनके मैंने नगर पालिका से यहाँ मैंने कैसा काम करेगा कैसा वहाँ से मैंने कराने नक्शा बना मैंने ऐसे ऐसे काम करेगा तो बना के जाने तो वही हिसाब से हम उनके काम संपन्न में करेंगे। नमस्कार एघारह के वड़ा सदर दोसर जैसे हम के काम बा हम पहले सर ऐसा बात बा हम पहले जान जाला टोल में कहाँ कौन आवश्यकता बा उ हिसाब से हम अपन मनसौदा बना के रखल जाए बाद में टोल समिति वाले जन बाटे चाहे दस टी योजना लेके आवे जो हम देखने रह योजना आवश्यकता अनुसार वह हमारे पास दबाव हमारे ना जाए ऐसा होला जैसे अब कहीं से योजना नहीं पड़ बा अब कहीं हमन के सड़क के हालत एकदम खराब बा आषाढ़ में हमन के बरसात में रेंगे लाग जखा नहीं बा कि योजना नहीं पड़ बा वहाँ जैसे अब बोले वाला व्यक्ति नहीं बाटे तो वहाँ अब कैसे नहीं सर तो ऐसा नहीं होला हमन के जैसे हमन के पारी रहरा में कितना बोले वाले आए जन मेन जहाँ जहाँ बजट पड़ा लग जा तो उससे यार सबसे यार जो स्कूल बा वो रोड में आपके पास 5 लाख पार लगे इस सब के हमन के केहू के दबाव में ना जाए जहाँ हमन ने देखा जी यहाँ यहाँ असत जरूरी बा वहीं हमन के बजट डाल जाए हमन के कहूँ के क्यों इमें हिले डोले वाला ना बा कि हम नहीं सही करत तो हम नहीं सही करत तो योजना ना कर हमन के जौन एक मुठ हो के हमन के जितना निर्वाचित पाँच बाटे एक मान एमाने से जो नायर बाटे वो मुरारी हरिजन उनके मान के ना उनके हमारी बात नहीं मान जाए हमन के एक दुष्ट होकर हमारे तरह जी बड़ा आता है जैसे पाँच जने अब कार समिति में रह मिलवा ते आज सबके जैसे अब कौन हरताने वहरताने के किए दाएँ बाएँ नहीं कर जाना दाएँ बाएँ हम उनके नहीं कहेंगे हम उनके जनता के वहाँ वहाँ से जनता के जाके पूछा जी कहाँ हो सकता है आप समय तो हो सके जैसे अब पाँच जन रही बात कौन के पावर ज्यादा हुई कौन के कम हुई कि जगह पावर ज्यादा पावर ज्यादा विकास के वैसे ना ही हो सकता पावर से ज्यादा सबसे ढेर ज्यादा तो पावर हम ही लगा दी गई भाई और सबसे कम बजट हमारा सबसे पावर ज्यादा हमारा भाई सबसे कम बजट हमारा 12 वार्ड तक बाद फिर सबसे पिछड़ा वार्ड काल के विकास न भइल के 11 आपके जो नेक्टू हमने के कार्य समिति बा और हमने के सहयोगी बा जो सहयोगी बाटे वहाँ के भी मानसिकता बुझत के वहाँ से भी हमने के शोध पूछ करत के वार्ड नंबर 11 के कार्यालय में काम बढ़ी सकत बा कि हमरे पुष्टि कर सके अते ई जो हमने के वार्ड नंबर 11 देवदा नगर पालिका में और उत्कृष्ट बनाए खातिर नमूना बनाए खातिर आपके भावी योजना का बा का कैसे कैली पर हमने के देवदा नगर पालिका में वार्ड नंबर 11 एक नाम कमा सके खास के भावी योजना के रूप में अब हमन के बाल बच्चे बिगड़ रहल बाटे नशालु पदार्थ से सबसे भावी योजना बाल बच्चन के भविष्य कैसे सुधारा जाए इनमें बहुत भारी सोच विचार करे वाला दिन आयल बा एक वजह से एक अब मुक्त करे खातिर हमन के
यहाँ के समाज के अभिभावक लोगन के घर घर परिवार के लागू औसत मुक्त करे खातिर एक तो हमन के तालीम के बहुत आवश्यकता हमें समझ रहा गए बाटी जा लेकिन लागू औसत कैसे मुक्त होई और खास करके अभी कंट्रोल करे के खातिर तक अभिभावक के भी उतने दायित्व हो। अभिभावक लोगन के सोचे पड़ल कि हमार लड़का कहाँ जाता, हमार लड़का पढ़े जाता, अब लड़का पढ़े जाता कि दाया बाया चल जाता, अब कहाँ जाए पा कहाँ चल जाता, अब कितना लोग पकड़ जाता कहीं का खाना लागू औसत में। एक वजह से एक खातिर सबसे इस समाज के सुधार करे के खातिर सबसे जरूरी हम ये देखा था भावी रणनीति के रूप में। दूसरा काबा अब हमन के दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ते जा रहा हुआ, बेरोजगारी बढ़ने के नाटकारे से हमन के लड़का या लड़की बहुत से लोग पढ़ लिख के बेरोजगारी रूप में घूम रहा हुआ है। इस सब के खातिर शिक्षामूलक तालीम के हम बहुत आवश्यकता देख रहा हुआ थी। ऐसे बहुत से लड़के विदेश पलायन हो रहा हुआ है लेकिन कौन कुछ सफल होता है कौन कुछ असफल हो जाता है। एक वजह से अगर जो यहाँ सीख मूलक तालीम के व्यवस्था हो जाए, लड़के सीख लें और लड़की लोग सिलाई कटाई सीख लें, बुटीक तालीम सीख लें और ब्यूटी पार्लर सीख लें, तो गुड़िया तालीम सीख लें, तो हम जहाँ तक ठीक है उस सबके यहीं अगर जो दुकान कह के यहीं अपन रोजगार सृजना हो जाए, यहीं विदेश जाए के ना करें, ये सोच हमन के बाद। दूसरी बात अभी देखा जा अब हमन के कृषि प्रधान देश हो, कृषि प्रधान देश होते हुए भी हमन के रासायनिक मल दिन प्रतिदिन जैसे हमन के पिए वाला दारू पी रहा बाटा। आज एक पौवा पिया था बिहार एक आधा, परसों एक बोतल शुरुआत कर देता, तैसे ये रासायनिक मल भी वही हिसाब से बढ़त चल जाता है। अब आसो अगर जो 50 किलो डलने वाला आने साल 75 किलो आने साल तो फिर आपके एक क्विंटल डाला तक है और उतने भी देखा जाए विषादी के प्रयोग भी हो रहा होगा। एक वजह से अब एक न्यूनीकरण करे खातिर हमन के जो ओवर व्यवस्थापन बा ओकर देवदाय नगर पालिका के हमने कार्यपालिका के बैठक में एक भी बात उठ रहा बा कि एक तो ऑर्गेनिक मल के फैक्ट्री के निर्माण हो, ऑर्गेनिक मल तैयार हो, वो ऑर्गेनिक मल के किसान के उपलब्ध हो, कुछ अब निःशुल्क तो नहीं मिले शुक्र मूल में उपलब्ध हुई हमन के वो प्रयोग कह के अगर जो चाहे तरकारी खेती कही जा चाहे धान वाली गेहूँ वाली कुछ कह जा उसे हमन के यहाँ स्वास्थ्य के ढेर हमन के का खाना फायदा हुई शरीर ले ली तो ये पूरी हमन के रणनीति हमन के बाद यहाँ के करे के खातिर स्वास्थ्य के खातिर हमन के खाने पानी को भी हमन के बहुत आवश्यकता बा। देखल जा अब गांव विकास समिति रहल अब ओडिया घोषित हो गई लेकिन अभिन भी अब खुला दिशा मुक्त निषेधित क्षेत्र हो गई अभिन भी वह ऊपर के पानी लोग पी रहा बाटे। बताओ जा घरे घरे टॉयलेट हो गई और पिए वाला पानी दूषित पी रहा बाटी जा वो पानी से हमन के अगर जो स्वास्थ्यकर पानी अगर जो हमन के पिए जा तो कहा ना कि 80% बीमारी से हमन के मुक्त हो जाए लेकिन अभी भी हमन के वह विशुद्ध पानी पी रहा बाटी जा। इससे शुद्ध पिए वाला पानी के खातिर यहाँ जो है कि ओवर टैंक के इतना जरूरी बा, ओवर टैंक यहाँ भाई बहुत जरूरी बा। इससे हमन के ओकर भी मांग रखा जाला, खाने पानी योजना के भी मांग रख रहा बाटी जा। और ये हमन के रोहिणी नदी कटान कह के हमन के बस्ती मरले बा छितिर बितिर कह दे बा देखल जा। अब छितिर बितिर कैले ना तारे केहू के खेते में जमीन बा तो खेत में बनाई ले बा घर। अब अभी हमन के विद्युत विस्तार कैले में भी इतना कठिनाई बा,
अब हर साल कितना भोले आवे कितना तारे आवे रोहिणी नदी के कटान से सिवानी भर बस्ती हो गई बा छिटी छिटी चार घर दुई घर ऐसे कह के चार ओर छिटी के बैठ गई बाटे ये भी देखा जा कठिनाई बा हमन के अब इहू के लिए भी अब ये साल हम जो है कि विद्युत के तार या पुल के मांग करे के खातिर जो है कि हम ले बाटी और हमन के ट्रांसफार्मर के एक मांग बा हर देवदाय नगर पालिका से 150 केवी के ईशान हरेक वाड़ा में जो है कि ट्रांसफार्मर की व्यवस्था बा और जो है कि हमन के पूरी बा और ढाल निकास के लिए हमन के हैंड पाइप के भी आवश्यकता होला ढाल निकास के हैंड पाइप के लिए भी बजट बा ओकरे लिए भी हम जो है कि बजट के साल छुट्टी होले बाकी 5 लाख ले और खाने पानी योजना के लिए भी 5 लाख हम छुट्टी होले बाकी अब 5 लाख से का हुई इतना 14 टोल विकास संस्था बा 14 उतना ही हुई हम देवदाय नगर पालिका में ओवर टैंक के लिए बहुत हम प्रयास कैले बाटी अब देखा जा सरकार कैसन बा अब 5 लाख रुपया DPR करे खातिर बजट छुट्टी होले बा अब 5 लाख छुट्टिया के देखा जा 5 लाख में का करी का धरी अब इतना इतना हावी रड़नी हमन के यहाँ बात देखा जा रही पूरी सोच रख ले बाटी हम अब बातचीत करते भी वैसे में वो भी बात है आप सब भी कार्यक्रम में अमूल्य समय दे रही हृदय से धन्यवाद दे सकते धन्यवाद आप हमन के देवदाय नगर पालिका में आए गए यहाँ के वस्तु स्थिति यहाँ जनता के सेवा ग्रही के विषय में आप यहाँ के सेवा ग्रही कैसे सिफारिश सुविधा का बा विकास निर्माण के काम का हो रहा बा समीक्षा में आप आवल गए आपके लिए एकदम ढेर धन्यवाद ढेर चाहता कि असम में पार्षद कर गए देवदा नगर पालिका वार्ड नंबर 11 के वड़ा तक से अमर बहादुर चौधरी सहयोगी सुमित रखे और महिला सदस्य सावित्री चौधरी मोती उमर थारू और हमन के दशरथ प्रसाद थारू बदलत बाटी मानव बदलत बा हमन की चाल चलन लोप होते जात बा संस्कृति अपनात बाटी दूसरे के रहन सहन ये संस्कृति जगेरना के एक अनमोल खजाना कार्यक्रम संस्कृति सरोवर अब बुद्ध समुदाय के टेलीविजन पर देखे कि न भुलाल जी कार्यक्रम संस्कृति सरोवर